को बांग्लादेश से क्या लेना देना, भड़का रहे हैं, भड़का रहे हैं हम आपको, नहीं भड़का रहे हैं, क्या भड़का रहे हैं बताइए, भड़का क्या रहे हैं, भड़का क्या रहे, भड़का क्या रहे बताइए, बताइए भड़का क्या रहे, भड़का क्या रहे बताइए, बताइए भाग क्यों रहे, भड़का क्या रहे बताइए। सुनिए, आप जैसे ही लोग थे जो अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे, आप लोग ही तो जो अंग्रेजों की दलाली करते थे, जो है जितना ब्राह्मण समाज है वो दलाली है, ब्राह्मण समाज दलाली यहाँ कर रहा है। देखिए, मैं इसका जवाब दूंगा। आप बाबा साहब को मानते हैं? आप बाबा साहब को मानते हैं? मैं पूछ रहा हूँ, बाबा साहब को आप मानते हैं? आप बाबा साहब को मानते हैं? बाबा साहब जब मनुस्मृति को जला रहे थे, हाँ, उनके साथ में कौन खड़ा था? आपको नहीं पता है, ब्राह्मण खड़ा था। अच्छा, बाबा साहब का सबसे ज्यादा सपोर्ट किसने किया? ब्राह्मणों ने किया। अच्छा, अब आप बताइए, हाँ, कि अरे साहब सुनो, मैं कहाँ सपोर्ट किया पहले, कहाँ का सपोर्ट किया सुनो पहले, आप नहीं सुनेंगे, आप नहीं सुनेंगे, आप नहीं सुनेंगे, आप नहीं सुनेंगे, सुनने की क्षमता भी रखिए। सुनिए महाराज, आप बताइए, बाबा साहब की जो दूसरी शादी हुई थी वो किसके साथ में हुई थी? आप बताओगे ना, किसके साथ कभी हुई थी ये भी तो बताओ आपको, वो क्यों हुई थी ये भी तो आपको बताओ ना, क्यों हुई थी आपको बताओ ना, उसके कारण मुझे वो उनका सेवा करती थी के साथ हुई थी, ब्राह्मण की लड़की के साथ हुई थी, क्यों हुई थी आप उसका आंसर दो ना भाई, क्यों हुई थी, क्यों करवाई गई थी महाराज? हाँ बताइए भाई, बताइए ना, मैं वही बता रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ। ये कभी कहते थे कि 400 पार कर दीजिए, संविधान बदलना है, लेकिन एक बात बताइए, कान में बताएंगे, 240 पार भी नहीं हुआ, लेकिन सरकार झुकेगी, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। हम लोगों के हाथ में बाबा साहब की तस्वीर है और सबके हाथ में झंडा है, वक्फ बोर्ड पर ये कानून बना रहे थे, मुसलमान सांसद नहीं चाहिए इनको, राज्यसभा में एक भी, लोकसभा में एक भी मुसलमान सांसद नहीं होना चाहिए, लेकिन ये वक्फ बोर्ड पर कानून बनाएंगे। शांत रहिए। का जो रिजर्वेशन है उसमें वर्गीकरण को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अनुराग ओझा हमारे साथ हैं, जंतर मंतर पर अभी हम मौजूद हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पर भी, यानी देश भर में ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है, कितना सफल साबित होगा और यहाँ आने का क्या मकसद? देखिए, ये जो हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये हम लोग गूंगी बहरी और निकम्मी सरकार के कानों में बम फेंकने का काम करें, क्योंकि भगत सिंह ने कहा था कि गूंगी बहरी और निकम्मे लोगों को सुनाने के लिए बम का धमाका करना बहुत जरूरी है। वो वाला बम नहीं, मतलब ज्वाला प्रकट करना, सरकार को सुनाना कि हम लोग अभी जिंदा हैं, बाबा साहब की नस्लें अभी जिंदा हैं, तो ये सुनाना सरकार को बेहद ही ज़रूरी है। हम लोग अगर सड़क पे नहीं उतरेंगे, किसी ने लिखा था कि जब सड़कें सुनी हो जाएं तो संसद हमारा हो जाता है, तो आज कुछ लोग वैसे ही भटक रहे हैं। और रही आरक्षण प्रभाव, तो ये आरक्षण खत्म करने की इनकी मंशा चुनाव के समय से ही है। ये कभी कहते थे कि 400 पार कर दीजिए, संविधान बदलना है, लेकिन एक बात बताएं, कान में बताएंगे, 240 पार भी नहीं हुआ अभी संविधान बदलने का, तो लेकिन इन्होंने जो लंगड़ी सरकार को ला के इन्होंने आरक्षण पर उंगली कर दी, लेकिन सरकार झुकेगी, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। सरकार की बात कह रही है, अभी तो हमेशा कह रहे हैं कि अभी 25 साल तो समझ लीजिएगा कि नहीं जाने वाले हैं। कभी ये कहते हैं कि 100 साल नहीं जाने वाले, कभी कहते हैं 75 साल नहीं जाने वाले, कभी कहते हैं 25 साल नहीं जाने वाले, मतलब ये लोग भी अब अंदर से घबराए हुए हैं। हम कह रहे हैं चंद्र बाबू नायडू और नीतीश कुमार जी को छोड़ दीजिए, आप कितना दिन चलते हैं जानती है दुनिया, कितना दिन चलेंगे? अगर पिछली बार 2 अप्रैल को भारत बंद हुआ, कितने लोगों पर मुकदमे हुए, इस बार हम लोग क्या करें? बहुत शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। हम लोगों के हाथ में बाबा साहब की तस्वीर है और सबके हाथ में झंडा है। दिल में क्या है ये बताइए, सामने दिल में क्या है? दिल में भी वही है, दिमाग में भी वही है, सामने भी वही है। दिल में कभी ऐसा तो नहीं है जो बांग्लादेश में हुआ था, आरक्षण को लेकर के भी वहाँ पे उथल पुथल हुआ है। देखिए, तो दिल में नहीं चल रहा है। मैं एक चीज आपको बता दूं कि ताना साहू की तानाशाही चलने नहीं देंगे, किसी बेगुनाह का घर अब हम जलने नहीं देंगे, और आप कितना भी तानाशाही कर लीजिए साहब, लेकिन हम किसी बेगुनाह का घर अब जलने नहीं देंगे। वहाँ भी तानाशाही चरम पर थी, और चाहे जितना आप तानाशाह को, चाहे अंग्रेजों को देख लीजिए, तानाशाही चरम पर थी, हटाया गया ना। मुगलों को देख लीजिए, उनके भी तानाशाही चरम पर थी। तो जिसने भी इस देश में, सुनिए साहब, जिसने इस देश में तानाशाही की या बाहर तानाशाही की, उनका खात्मा हुआ है। तो ये लोग भी तानाशाही कर रहे हैं, इनका भी खात्मा होगा। बिल्कुल 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 सफल हो रहा है और होगा। मैं आपको बता दूं कि 15 दिन के अंदर सरकार ने अपने कई फैसलों को वापस लिया है। वक्फ बोर्ड पर ये कानून बना रहे थे, मुसलमान सांसद नहीं चाहिए इनको, राज्यसभा में एक भी, लोकसभा में एक भी मुसलमान सांसद नहीं होना चाहिए, लेकिन ये वक्फ बोर्ड पर कानून बनाएंगे। शांत रहिए, उस पर कानून बना रहे थे। आप बताइए कि अभी ये लेकर आए थे ब्रॉडकास्टिंग बिल, उसको वापस लिया कि नहीं लिया? आप बताइए कि पीछे से भर्ती UPSC का, उसको वापस लिया कि नहीं लिया?
तो इस वाले बिल को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वापस लेंगे। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। अरे सुनो मर, अरे मोदी जी से आप हमारा कौन सा आरक्षण खत्म हो रहा है? हमारे भाइयों का इस देश हमारा कौन सा आरक्षण? भाई इस देश के जितने भी लोग हैं सब हमारे भाई हैं। नहीं नहीं भाई है ठीक है, तुम्हारा तो मैं एक चीज, हमारे मित्र हैं ये, हमारे मित्र हैं ये, हमारे मित्र हैं। और सुनिए भाई, सुनिए अरे बाटिए महाराज, बाटिए आप, रामचरित मानस में लिखा हुआ है धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्काल परखी हो चारी। यहाँ पर जो लोग हैं वो रामचरित मानस को मानने वाले भी नहीं, जाकी रही भावना जैसे प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसे। सुनिए भाई, देखो अरे चाचा छोड़िए उसको, मैं बता रहा हूँ आप, रामचरित डिबेट करेंगे उस पर भी डिबेट करेंगे, उस पर भी बता ले रही है तो सोच समझ के ले रही है। आज सरकार को कैसे, आज जिसके पास में आरक्षण, जिसके पास नहीं है, जो पीछे हैं आप उनको आगे लाइए ना, उनको 10% और आरक्षण दीजिए। लेकिन मतलब जो खत्म करने एससी एसटी का ही एक वर्ग ये ऐसा है जो इसका विरोध कर रहा है कि ठीक है नहीं होना चाहिए। कौन विरोध कर रहा है? दो वर्ग ऐसे, एक वर्ग ऐसा है जो चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट का सही फैसला आए। आप बताइए कि जो हमारे वाल्मीकि समाज के भाई हैं वो लोग काम करते हैं, आज गटर में देख लीजिए, कहीं भी काम करते हैं, सरकार को तो चाहिए। सुनिए महाराज, आप ही बोल लीजिए, बताइए, हम बता रहे हैं। नहीं आप ही बोल लीजिए, बताइए, बताइए कि सरकार को एक ऐसा कानून लाना चाहिए जो मशीन से साफ हो। आप बताइए कि जो संविदा पे है उनको परमानेंट कर दिया जाए, इससे वो लोग आगे जाएंगे। ये बताइए दलित आज हमारे दलित, आप बताइए मणिपुर में जो मारे जा रहे हैं वो हिंदू नहीं है? जो हमारे दलित भाइयों को मारा जा रहा है वो हिंदू नहीं है? बिहार में जिस बेटी का बलात्कार किया गया वो हिंदू नहीं है? आप बताइए यूपी में जिसका बलात्कार किया जा रहा है वो हिंदू नहीं है? उस पर आप लोग बात सुनिए, आप सुनिए महाराज, सुनिए। क्यों बांग्लादेश, आप बांग्लादेश जाइए, आप बांग्लादेश चले जाइए, जाइए आप बांग्लादेश। ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं। मैं किसी को नहीं भड़का रहा हूँ, मैं शुरू से मैं क्या कह रहा हूँ कि हमारे साथ में संविधान है, संविधान है। क्यों 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 आपको बांग्लादेश से क्या लेना देना? भड़का रहे हैं, भड़का रहे हैं हम आपको, नहीं भड़का रहे हैं, रुकिए क्या भड़का रहे हैं बताइए, भड़का क्या रहे हैं, घर आइए, भड़का क्या रहे हैं, भड़का क्या रहे हैं बताइए, बताइए भड़का क्या रहे हैं, भड़का क्या रहे हैं बताइए, बताइए भाग क्यों रहे हो, भड़का क्या रहे हैं बताइए, भड़का नहीं आप बताइए, भड़का क्या रहे हैं लोगों को, हम भड़का रहे हैं। अगर हम लोग एकजुट हो रहे हैं, हम लोग क्रांति लाने का काम कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं भड़का रहे हैं। सुनिए, आप जैसे ही लोग थे जो अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे, आप लोग ही तो जो अंग्रेजों की दलाली करते थे भाई। यहाँ का जो है जितना ब्राह्मण समाज है वो दलाली है, ब्राह्मण समाज दलाली है यहाँ का जो। देखिए मैं इसका जवाब दूंगा, आप बाबा साहब को मानते हैं, आप बाबा साहब को मानते हैं, मैं पूछ रहा हूँ बाबा साहब को आप मानते हैं, आप बाबा साहब को मानते हैं? बाबा साहब जब मनुस्मृति को जला रहे थे उनके साथ में कौन खड़ा था? आपको नहीं पता है, ब्राह्मण खड़ा था। बाबा साहब का सबसे ज्यादा सपोर्ट किसने किया? ब्राह्मणों ने किया। अब आप बताइए कि अरे साहब सुनो, मैं कहां से सुनिए, पहले कहां का सपोर्ट की बताओ, सुनो पहले, आप नहीं सुनेंगे, आप नहीं सुनेंगे, एक जगह आप नहीं सुनेंगे, आप नहीं सुनेंगे, सुनने की क्षमता भी रखिए। सुनिए महाराज, आप बताइए बाबा साहब की जो दूसरी शादी हुई थी वो किसके साथ में हुई थी? वो किसके साथ हुई थी आप बताओगे ना? किसके साथ शारदा कमी से हुई ये भी तो बताओ आपको, वो क्यों हुई थी ये भी तो आपको बताओ ना, बाबा साहब उस क्यों हुई थी आपको बताओ ना, उसके कारण थे मुझे वो उनका सेवा करती थी, लड़की के साथ हुई थी, ब्राह्मण की लड़की के साथ हुई थी, क्यों हुई थी आप उसका आंसर दो ना भाई, क्यों हुई थी, क्यों करवाई गई थी? सुनो महाराज, हाँ बताइए भाई, बताइए ना, मैं वही बता रहा हूँ, कारण बताइए, मैं वही बता रहा हूँ हिंदू कोर्ट में पास कराने चक्कर हुई थी, पास हुआ। अरे कारण बताओ, सुनेंगे आप जी, सुनने। बाबा साहब उस समय असमर्थ थे, मतलब थोड़ा बीमार चल, उनकी सेवा करती थी। अब बताइए शादी करने तो गलत था, गलत नहीं। हम लोग तो आज भी कह रहे हैं कि जाति प्रथा को खत्म किया जाए। ब्राह्मणों ने ही तो मारा है साजिश करके, वो ब्राह्मणों ने ही मारा है साजिश करके, क्योंकि क्योंकि उनकी शादी करवा दो ब्राह्मण लड़की से, और ब्राह्मण लड़की ने क्यों शादी कर ली थी वो मैं बताता हूँ, वो ब्राह्मण लड़की ने इसलिए शादी करवा दी थी। बाबा साहब एक विद्वान, हमारा मुद्दा है जो हम बात करने आए, आरक्षण पर बात है, आरक्षण पर बात है, आरक्षण को हम लोग बचाने की बात, फिर वहाँ पे विद्वान लोग को दमाद बनाओ, जड़ से मिटाओ, कोई बाबा साहब साहब ये हुआ, ये हुआ जो है, देखिए दमाद बनाओ जड़ से मिटाओ, आरक्षण पर बात। आज जिस विषम परिस्थितियों से आज हमारा देश, जिन विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है, पत्रकार महोदय, आज हमारा देश
जिन विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है, मुझे लगता है कि उस मुद्दे पर बात की जाए। वर्तमान सरकार है जो ऐसा जजमेंट ला रहे हैं, वो लोग इसका जिम्मेदार है। आरक्षण पे बात करो, आरक्षण पे आप लोग सवाल करोगे सभी लोग। ये बांग्लादेश जा रहे हैं, वहाँ पे जा रहे हैं, वही मैं बता रहा हूँ ना। आप बताइए कि जो जजमेंट लेकर आए हैं वो लोग इसका जिम्मेदार हैं, और हम लोग क्रांति करेंगे और जो इस सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है उसको वापस करवा कर रहेंगे। कैसे वापस करवाएंगे? जैसे 3 बिल पहले वापस हुए। मैं एक चीज बताऊं, कोई करे या ना करे, अनुराग ओझा इसका समर्थन करता था, करता है, करता रहेगा। जब तक इस देश से जातिवाद नहीं खत्म होगा तब तक आरक्षण को बचाने के लिए अनुराग ओझा अपना लहू बहाता रहेगा। गोंडा में ही होता है जातिवाद, सबसे ज्यादा गोंडा में होता है जातिवाद। गोंडा में सर अभी हाल फिलहाल हमारे प्रधान जी के साथ में बहुत ज्यादा जातिवाद हुआ। अच्छा, ये दिल्ली में जातिवाद खत्म करते हैं, गोंडा में नहीं। लेकिन गोंडा में हर जगह, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कम से कम 10 पत्रकार होंगे, उसका जीता जागता उदाहरण है ये नीरज की रिपोर्ट। आप बताइए कि वहाँ पे एक SC समाज का प्रधान है और वहाँ पे प्रधानी को चला रहा है एक शुक्ला है, और मैंने उसके खिलाफ में बोला SDM के, सुनिए साहब, देश में तो ही मनुवादी का व्यवस्था बैठा हुआ सर, सुप्रीम कोर्ट के जज। मैं वही तो बता रहा हूँ कि जो जातिवाद है, जो मैं, सुनिए आप, मैं उस चीज को खत्म करने की लगातार कोशिश कर रहा हूँ, चाहे वो गांव का मुद्दा हो या देश का मुद्दा हो या किसी भी चीज का मुद्दा हो, कहीं भी मुझे लगता है कि हमारे दलित भाइयों के साथ में अत्याचार हो रहा है। उससे भी लड़ेंगे सर, उससे भी। अगर ये कुल, देखिए, सरकार अपना फैसला वापस लेगी और सुप्रीम कोर्ट भी अपना फैसला किसी न किसी दिन वापस लेगा, क्योंकि मेरा सब सुमन अर्पित ना होगा दिल्ली के दरबारों में, चाहे जीवा कट जाए मेरी खड़े खड़े बाजारों में। सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमस्कार।